तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करके ये पूछ रहे थे कि क्या हम लोग 2019 के फ्लैगशिप स्मार्टफोन को हम लोग 2022 में परचेस कर सकते हैं या फिर नहीं। तो मैंने कमेंट का रिप्लाई करके आप लोगों को बताया भी था कि हम लोगों को क्यों ये सारे स्मार्टफोन नहीं परचेस करने चाहिए 2022 के अंदर। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को ये फोन क्यों नहीं लेना चाहिए और अगर परचेस करना चाहिए तो कौन लोग इसको परचेस कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो 2019 के अंदर हम लोगों को काफी सारे फ्लैगशिप स्मार्टफोन देखने के लिए मिले हैं अलग अलग ब्रांड्स की तरफ से। लेकिन मैं यहाँ पर सैमसंग का फोन यूज करता हूँ तो मैं यहाँ पर सैमसंग के एग्जांपल से लेकर चलता हूँ और मुझे कमेंट में भी यही आ रहा था कि हम लोग क्या सैमसंग के फ्लैगशिप स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर सैमसंग का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो अगर हम लोग बात करें 2019 के सैमसंग के फ्लैगशिप की तरफ, तो 2019 में सबसे पहला जो सैमसंग का फ्लैगशिप फोन हुआ था वो है गैलेक्सी S10 सीरीज। उसके बाद हम लोगों को गैलेक्सी फोल्ड 1 देखने के लिए मिला। उसके बाद फिर हम लोगों को गैलेक्सी नोट 10 सीरीज हम लोगों को देखने के लिए मिला, जिसके लॉन्च इवेंट में सैमसंग वालों ने कहा था हम लोग जो आगे से फोन लॉन्च करेंगे अपने फ्लैगशिप फोन उसमें हम लोग 3 साल के मेजर OS अपडेट को हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात हो जाती है। और अगर हम लोग वहीं 2019 के फ्लैगशिप के ऊपर नजर डालें तो अभी चल रहा है 2022 और 2019 के टाइम में ये सारे फोन जो है एंड्रॉयड 9 पर लॉन्च हुए थे। उसके बाद से हम लोगों को 3 अपडेट इसमें देखने के लिए मिला, यानी कि एंड्रॉयड 9 के बाद हम लोगों को इसमें 3 अपडेट देखने के लिए मिले हैं, जिसमें से सबसे पहला अपडेट हम लोगों को देखने के लिए मिला था एंड्रॉयड 10 का। उसके बाद फिर एंड्रॉयड 11 हम लोगों को देखने के लिए मिला और सबसे लास्ट जो अपडेट है एंड्रॉयड 12 का हम लोगों को, जो कि इस साल में देखने के लिए मिला है। और इसके बाद फिर 2019 के फ्लैगशिप फोन में हम लोगों को कोई सा भी एंड्रॉयड OS का अपडेट देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इस वजह से ये फोन जो है अब पुराना होने लगा है। और एक रीजन ये भी है गाइस कि ये फोन जो है अब OS अपडेट को रिसीव नहीं करने वाला है, तो इस वजह से इसमें सिक्योरिटी पैचेस का आना भी धीरे धीरे बंद होने लगेगा। अब यहाँ पर आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्या यार सिक्योरिटी से हम लोगों को क्या लेना देना है, हम लोगों को तो सिर्फ फोन ही यूज करना है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो फोन, हम लोग किसी भी फोन को नया परचेस करते हैं चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, उसमें सिक्योरिटी पैचेस हम लोगों को हर मंथ या फिर हर अल्टरनेट मंथ में हम लोगों को देखने के लिए मिल ही जाता है, जिसकी वजह से कंपनी जो है हम लोगों के फोन को सिक्योर बना देती है, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा हैकिंग अटेम्प्ट से हम लोग बचे रहे। तो इस वजह से हम लोगों को सिक्योरिटी पैचेस देखने के लिए मिलते हैं हमारे स्मार्टफोन के अंदर। लेकिन अब ये जो 2019 के फ्लैगशिप फोन है इसमें हम लोगों को सिक्योरिटी पैचेस भी आने धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। अगर फीचर्स वाइज बात करें तो इसमें फीचर्स बहुत ही सारे हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें सिक्योरिटी पर्पस से, जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन बैंकिंग को यूज करते हैं या फिर अपने फोन में जो है बहुत सारे बैंकिंग एप्लीकेशन को यूज करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं और भी सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई सा भी काम करते हैं, तो उसमें हम लोगों को सिक्योरिटी इशू देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइज इस वजह से हम लोगों को 2019 के किसी भी फ्लैगशिप फोन को नहीं लेना चाहिए। अगर हम लोग बात करें किसी अदर ब्रांड के ऊपर, जैसे कि OnePlus हो गया, Oppo, Vivo और भी दूसरे सारे ब्रांड्स हैं, तो उसमें क्या हो गया गाइज कि इन सारे ब्रांड्स में कोई ब्रांड ऐसे हैं जो कि अपने फोन में जो है 2 OS अपडेट प्रोवाइड करते हैं, कोई ऐसे ब्रांड है जैसे कि OnePlus वो अपने फोन में 3 OS अपडेट प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो अदर ब्रांड के भी फोन जो है अब आउटडेटेड होने वाले हैं। तो मुझसे कमेंट में ये पूछा जा रहा था कि हम लोग सैमसंग के ये फोन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग सैमसंग का कोई फ्लैगशिप फोन एक्सपीरियंस करना ही चाहते हैं, परचेस करना ही चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को कुछ फोन बता देता हूं आप लोग उस फोन को परचेस कर सकते हैं। जैसे कि 2020 के जो सैमसंग के फ्लैगशिप फोन है, जैसे S20 सीरीज हो गया, गैलेक्सी नोट 20 सीरीज हो गया, या फिर अगर आप लोग किसी फोल्डिंग फोन के ऊपर जाना चाहते हैं तो सैमसंग का फोल्ड 2 हो गया, ये सारे फोन को आप लोग परचेस कर सकते हैं। इसमें अभी एंड्रॉयड 13 का अपडेट आने वाला है और उसमें हम लोगों को आगे भी सिक्योरिटी पैचेस देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अगर हम लोग वही बात करें गैलेक्सी नोट 10 हो गया, गैलेक्सी S10 हो गया या फिर गैलेक्सी फोल्ड 1 हो गया, इसमें हम लोगों को सिक्योरिटी पैचेस भी धीरे धीरे आने बंद हो जाएंगे। तो गाइस ये तो हो गया कि हम लोगों को ये फोन क्यों नहीं लेना चाहिए। अब चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये फोन को क्यों लेना चाहिए और किन लोगों को लेना चाहिए। तो गाइस ये सारे फोन को, यानी कि 2019 के फ्लैगशिप को, वो सारे लोग परचेस कर सकते हैं जो कि अपने फोन में जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग एक्सेस नहीं करते हैं या फिर किसी बैंकिंग एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं करते हैं, तो वो लोग बहुत ही आसानी से इस फोन को ले सकते हैं, उनको लेने में कोई भी हर्ज नहीं है। लेकिन इसके लिए मैं आप लोगों को एक टिप्स देना चाहता हूं जिसकी वजह से आप लोग इसके अंदर भी थोड़े बहुत सिक्योर रह सकते हैं। इसमें आप लोगों को करना क्या है कि अगर आप लोग गैलेक्सी S10, नोट 10 या फिर गैलेक्सी फोल्ड 1 फोन को अगर आप लोग परचेस करते हैं, तो इसमें आप लोगों को किसी अननोन लिंक पर नहीं जाना है, किसी ऐसी वैसी वेबसाइट पर नहीं जाना है और आप लोगों को प्ले स्टोर के अलावा किसी थर्ड पार्टी जैसे कि क्रोम से या फिर गूगल से APK को डाउनलोड करके अपने फोन में इंस्टॉल नहीं करना है। तब आप लोग थोड़ा बहुत सिक्योर रह सकते हैं इस फोन को लेने के बाद भी। तो गाइज उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को ये फोन क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए और अगर लेना चाहिए तो किन लोगों को लेना चाहिए। अगर गाइज इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों को कोई सा भी डाउट रह गया हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो और चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
गुड बाय।